दोस्तों ये पेट्रोल टी के पाइप को काट काट के फिट कर दिया है, तो देख सकते हो आप ये इतना हीट हो गया है, इतना हीट हो गया है ये अंदर कि बिल्कुल जंग पकड़ लिया है, निकलने का नाम नहीं ले रहा है। वो ये पेट्रोल की वजह से ये जाम हो गया है, पेट्रोल नहीं आ रहा है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों से मोहतबाना गुजारिश है कि या तो आप पेट्रोल टी डाल दिया करें, या फिर आपको अलग से अगर पाइप मिल जाता है तो पाइप डाल दिया करें, मगर एसी पोजीशन के ऊपर देखिए, ध्यान दीजिए। क्या है कि ये तकलीफ़ खड़ी हो जाती है, क्योंकि तो हम कोशिश कर रहे हैं निकालने की, अगर निकल जाता है तो ठीक, ये तकलीफ़ का ही घर है वो जो हो चुका है। ठीक है गाइस, बने रहे वीडियो पर। तो ठीक है गाइस, हमने वो पाइप को निकाल लिया है, थोड़ा सा बाहर आए हैं टुकड़े और थोड़ा सा पाइप अंदर गया है। तो जब भी अब टंकी खुलेगी, साफ होगी जब वो पाइप निकलेगा। तो देखिए अब हम इसके अंदर नई पेट्रोल टी डाल रहे हैं। अभी पेट्रोल टी हम चाबी वाली डाल रहे हैं ताकि इनका पेट्रोल चोरी ना हो भैया का, और पेट्रोल चोरी भी नहीं होगा। और ये पिसोल टी यही डाल रहे हैं, देख सकते हो आप। ठीक है गाइस, हमने इसके अंदर पेट्रोल टी कस दिए, अब पेट्रोल चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रिजर्व है और ये मेन है, और यहाँ पे पेट्रोल टैंक का बंद रहेगा। अभी अभी पेट्रोल बंद है हमारा, इस साइड रिजर्व चलेगा ये देखिए, और इस साइड मेन चलेगा। तो ठीक है गाइस, ये पेट्रोल चालू हो चुका है रिजर्व में। देखिए भैया की गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, पेशन गाड़ी थी, पेट्रोल 1 किलोमीटर चल के गाड़ी बंद हो रही थी इनकी, पेट्रोल नहीं आ रहा था। ठीक है दोस्तों, इनकी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारा पता मैकेनिक राजा लोहारी।